So hello everyone, welcome to Tuition Friend channel, and today we are going to just start a new playlist that is of wireless and communication. So it is the full name of a subject that is wireless and mobile communication, and this subject is basically in the AKTU curriculum in the 7th semester, right? So hum basically ek ek cheez ke bare mein aaj padhenge. मतलब हर एक टॉपिक को हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो उसको हम लेकर चलेंगे. तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अपने GSM की, राइट? तो GSM एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कनेक्ट करेगा विद एवरी टॉपिक दैट यू विल बी गोइंग टू स्टडी, राइट? वेदर इट इज़ GPRS, वेदर इट इज़ द एज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ द 4G टेक्नोलॉजी दैट इज़ LTE, और एनी अदर टेक्नोलॉजी दैट इज़ रिलेटेड टू द टावर और द कम्युनिकेशन, राइट? सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जो हम GSM की बात करें, GSM इज़ अ 2G टेक्नोलॉजी, राइट? सो 2G टेक्नोलॉजी का मेरा कहने का मतलब क्या है कि 2G में आपका क्या होता है कि डेटा स्पीड जो होती है विच इज़ अबाउट यू कैन एज्यूम इट 2.4 kbps, राइट? सो 2G टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, हम GSM के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, और जितना मैं आपको इस प्लेलिस्ट में बताऊंगा दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है? तो हम आज GSM के बारे में पढ़ेंगे. तो GSM आपको पता होना चाहिए क्या होता है. इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म आती है, दैट इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, राइट? तो वन बाय वन आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आप पूरी की पूरी चीज़ें या फिर आर्किटेक्चर कैसे याद कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले हम कोई भी तीन सेक्शन किसी भी चीज़ में ड्रॉ करेंगे, राइट? मैं यहाँ पर फिलहाल आपको GSM के बारे में बता रहा हूँ. यही तीनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, यही ब्लॉक्स आपको ध्यान रखने हैं, वेदर फॉर इट इज़ GPRS और एज टेक्नोलॉजी, राइट? सो मोबाइल स्टेशन इसमें सबसे पहले होता है. आपको पता होना चाहिए कि आप एक यूज़र हैं, राइट? तो यूज़र के पास में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. यूज़र एक हमारा ऐसा शख्स होता है या फिर ऐसी एक एंटिटी होती है जो कि बेसिकली एक इनिशिएशन लेवल फॉर्म करती है किसी भी आपके सिस्टम का, राइट? सो यूज़र के पास हमारा मोबाइल होता है, राइट? सो मैं उसको मोबाइल सिस्टम लिख रहा हूँ. ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? अब मोबाइल फ़ोन है आपके पास, मोबाइल तो आ गया, मोबाइल से आप कहाँ कनेक्ट करते हो? आप टावर पे कनेक्ट करते हो. तो टावर को हम एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहते हैं BTS, ठीक है? अगर आप लोग कोई आप में से BTS का फ़ैन है, जो कि आपका कोरियन बैंड है, आप उससे याद कर सकते हो BTS, राइट? BTS इज़ समथिंग आई विल लेट यू नो, दिस इज़ द बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, राइट? ये BTS बहुत सारे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र्स. मैं आपको उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में बताऊंगा, लेकिन अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं. आपको BTS का मैं बताऊंगा किस तरीके से हम सेल में डिवीज़न करके किस तरीके से हम उसको सेटअप करते हैं, राइट? सो BTS होता है, आपको पता है आपका टावर होता है. अब टावर के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारी वायर जारी रहती हैं, तो उस वायर को हम लोग एक बेसिकली एक सिस्टम से कनेक्ट रहता है जो हमारा एक सेंट्रल लेवल पे होता है, बेसिकली सेंट्रल इन अ सेंस कि जो आपके बहुत सारे टावर को कनेक्ट करेगा, राइट? सो मेरे बहुत सारे टावर हैं जो कि मेरे कनेक्ट हैं किससे, मेरी BSc से. सो BSc आप समझ सकते हो, जो BSc आप ग्रेजुएशन के लिए भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास में बेस स्टेशन कंट्रोलर. देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रॉपर बेस स्टेशन है. बेस स्टेशन का कहने का मतलब है कि जो हमारे पास में टावर को कनेक्ट कर रहा है, मतलब टावर से आपको, ये मतलब आपके टावर है सारे सारे, ये आप टावर एज्यूम कीजिए. BTS इज समथिंग दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल, राइट? सो आप इसको टावर एज्यूम कर लीजिए, आपका टावर ही होता है बेसिकली, ठीक है? ये आपका टावर है जो कि सिग्नल को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है, राइट? नाउ आपने देख लिया कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है, मोबाइल फ़ोन से सिग्नल जा रहा है BTS को. BTS क्या कर रहा है, अब BTS से वापस भी आता है मोबाइल फ़ोन में. ऐसा नहीं है कि वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, वो बाई डायरेक्शनल होता है कि आप इधर भी ले रहे हो उधर भी दे रहे हो, राइट? क्योंकि आप टावर के थ्रू ही बात कर पा रहे हो, आप टावर के थ्रू ही कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो किसी से. तो सबसे पहले आपका मोबाइल स्टेशन आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, मोबाइल स्टेशन इज एंड दिस वन इज़ अवर बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम. वाई? बिकॉज ट्रांस रिसीवर मीन्स कि वो रिसीव तो करता ही है, साथ साथ में ट्रांसमिट भी करता है. ट्रांसमिट प्लस रिसीव, दैट इज द ट्रांसमीटर और सॉरी ट्रांस रिसीवर, राइट? सो ये हमारा एक बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम है, और ये हमारे पास बेस स्टेशन कंट्रोलर हो गया. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने पढ़ा कि बेसिकली ये हो गया आपका, ये हमारी दूसरी लेयर में आ गया, या फिर आप इसको एक लेयर में मान सकते हो. उसके बाद में अगर आप एक लेयर के बाद में जो दूसरी लेयर आएगी, अब आपका बेस स्टेशन जो ये कंट्रोलर होता है ये कनेक्ट होता है आपका MSC से. अब ध्यान रहे,
मैं आपको वो हायरार्की बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए एमएससी क्या होती है। हमारे पास में मोबाइल स्विचिंग सेंटर, राइट, इसको ध्यान रखना है, स्विचिंग सेंटर को डिनोट करती है। बीएससी के बाद आपको क्या करनी होती है, एमएससी करनी होती है, सो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका वीएलआर होता है, आई विल लेट यू नो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एचएलआर, वीएलआर, व्हाई वी यूज दिस, ठीक है। तो एचएलआर हो गया, फिर ईआईआर आ जाता है आपका, ठीक है, आपका एयूसी आ जाता है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ फटाफट कि क्या चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं अगर इसके बीच में एक मैं यहाँ पे इंटरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, इस इंटरफेस को मैं कहता हूँ ए, ठीक है, इसको मैं कहूँगा यू एम। ये इंटरफेस मतलब आपके आर्किटेक्चर को और भी लाइक थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे, ठीक है। आप बता सकते हो यू एम का कुछ नहीं मतलब है, यू एम का मतलब है एयर इंटरफेस, क्योंकि आपका एयर में ही ट्रेवल होती है बेसिकली सिग्नल जो टावर पर आप लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है एयर इंटरफेस। इसको आप याद कर लेना, ए ए इंटरफेस होता है। सो बेसिकली बात करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल स्टेशन आ गया, उसके बाद में मेरा बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम आ गया, उसके बाद बीएससी आ गया। अब मैं एक ही चीज़ बताता हूँ आपको, सबसे पहले मोबाइल स्टेशन का काम क्या है, आप लोगों का जो यूज़र का हैंडसेट होता है वो मोबाइल स्टेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब बीटीएस का मैंने आपको बताया कि होता है बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, जिसका मेन मकसद होता है कि आप लोगों का ये ट्रांसमिट भी करता है और साथ साथ में आपका रिसीव भी करता है, राइट। अब बीएससी की बात करूं, बीएससी क्या होता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर, दैट मींस ये बहुत सारे बीटीएस से कनेक्ट रहता है, बहुत सारे टावर से आपका बीएससी कनेक्ट रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बीएससी आपको कनेक्ट रहती है एमएससी से, ठीक है। अब मैं आपकी हायरार्की अगर बताऊं, सबसे छोटा है आपका एमएस, ठीक है, बहुत सारे एमएस मिलकर आपके जो कनेक्ट रहते हैं वो बीटीएस रहते हैं, और बहुत सारे बीटीएस से आपके क्या कनेक्ट रहते हैं, बीएससी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, एक बीएससी कनेक्ट रहेगी बहुत सारे से। अब बहुत सारी बीएससी से मिलके आपकी एमएससी कनेक्ट रहेगी, ध्यान रखना ये पूरी हायरार्की है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि सबसे पहले मोबाइल स्टेशन होता है, फिर बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम होता है, फिर बीएससी होती है, जो कि बीएससी का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो आपके पूरे बेस स्टेशन, ये पूरा बेस स्टेशन है जो हमारा बेस पे टावर खड़ा है, ये बेस है, तो वो बेस स्टेशन हम उसको कह रहे हैं कि एक जगह का बेस है जहाँ से आपका मोबाइल जो मोबाइल सेंटर है या फिर जो मोबाइल स्टेशन है वो आपका कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ हियर वी हैव एमएससी, एमएससी इज कनेक्टेड टू वीएलआर, एचएलआर, ईआईआर, एयूसी। वीएलआर की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वो होती है आपकी दिस इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। एचएलआर की फुल फॉर्म होती है आपके पास में होम लोकेशन रजिस्टर, ठीक है, और ईआईआर की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, दैट मीन्स ये इक्विपमेंट की आइडेंटिटी रखता है। मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि आप AKTU के एग्जाम में या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें आप थोड़ा थोड़ा बता सको कि व्हाट इज मीन बाय VLR, व्हाट इज मीन बाय HLR, व्हाट आर देयर फंक्शंस, राइट। AUC का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन सेंटर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सेंटर। सो अब मैं आपको जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, सबसे पहले मैं HLR की बात कर लेते, क्योंकि होम आप घर पे हो, ठीक है, होम का मतलब है, होम लोकेशन रजिस्टर मतलब है जो कि आप शुरुआत में अगर सिम परचेज करने जाते हो, यू हैव टू जस्ट सबमिट योर आइडेंटिटी फर्स्ट, राइट। सो वो सारी सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपके HLR में आपकी स्टोर होती हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि HLR जो बेसिकली स्टोर करता है वो आपके परमानेंट डेटा को स्टोर करता है, वेदर इट इज द प्रोफाइल, वेदर इट इज योर आधार कार्ड, वेदर इट इज योर स्टेटस कि आपका सिम एक्टिव है या इनएक्टिव है, राइट, ये आपकी सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है, कितने का आपने पैकेज का रिचार्ज कराया, राइट। VLR क्या होता है, बेसिकली VLR का मतलब है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब आपका होम की जगह तो आप में आपने मान लिया, आपने एक कोई बंदा अगर यूपी में रहता है, दैट मींस उस यूपी में कोई डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, अगर वो मेरठ में रह रहा है, उस मेरठ में उसका एक HLR हो जाएगा, ठीक है। मेरठ में भी मतलब बहुत सारी सब डिवीज़न होंगे, टावर बहुत सारे होंगे, बट वहाँ मैं सपोज करता हूँ एक एरिया में एक HLR है, वो HLR वाला व्यक्ति अगर किसी दूसरे बेस स्टेशन के पास जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ फॉरन पार्टिकल और फॉरन काइंड ऑफ यूजर फॉर दिस अनदर HLR, राइट। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप घूमने यूपी से बाहर जाते हो, सपोज करो आप यूपी से बाहर जा रहे हो, आपका यूपी का आपका HLR में डेटा स्टोर है, तो आप अगर VLR किसी और स्टेट में जा रहे हो, दैट मीन्स यू विल नीड द VLR। सो VLR का मेन मतलब है विजिटर लोकेशन रजिस्टर दैट यूजुअली स्टोर्स अ टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन एंड इंटीग्रेटेड विद MSC। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इसके साथ में काम कर रहा है, जिससे कि ये कोऑर्डिनेट कर पा रहा है HLR के साथ में, ठीक है। ये डायरेक्टली तो कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये इसके साथ में इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, राइट। अब बात करते हैं AUC की। AUC अगर इसका नाम ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ऑथेंटिकेशन सेंटर। सो बेसिकली ये काम क्या करता है कि आपका ऑथेंटिकेशन का काम करता है, आपके यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ से यहाँ पे, तो वो ऑथेंटिकेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो MSC के थ्रू इनको कहीं ना कहीं पे प्रोवाइड कर पा रहा है कि हाँ ये एक ऑथेंटिकेशन यूज़र है एंड यू कैन कनेक्ट इट
विद दिस BTS, राइट। सो बेसिकली ये आपका सीक्रेट की कॉपी भी रखता है और ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है और आपको किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचाता है, राइट। सो आप AUC में लिख सकते हो कि ये आपके फ्रॉड से बचाता है, इट इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड डेटाबेस फॉर द स्टोरेज ऑफ सीक्रेट की। सीक्रेट की आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है जो कि हर एक यूज़र के पास हो, हर एक यूज़र की असाइन होती है, ठीक है, ताकि जब भी कोई अगर किसी थेफ्ट को पकड़ना है तो पुलिस भी उसकी उसकी जो ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही उसकी जो सीक्रेट की होती है उसके थ्रू ही उसको एक्सेस कर पाता है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट EIR इज अवर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अब आप मोबाइल स्टेशन में अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, राइट, उसमें एक सिम पड़ा हुआ है, दैट मीन्स जो सिम आपका पड़ा हुआ है, अब हर मोबाइल की एक IMEI नंबर होती है, IMEI, राइट। सो उस IMEI नंबर को वो आइडेंटिफाई करता है मोबाइल स्टेशन की, राइट। सो ये EIR का मेन काम है कि आपके मोबाइल स्टेशन की ये IMEI नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और इन केस अगर वो आपका चोरी हो जाता है तो आप मतलब आप उसको मतलब रिक्वेस्ट करके इनवैलिड भी करवा सकते हो, आप उसको बंद करा सकते हो, राइट। सो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जैसे इसका नाम भी आपको इजीली पता चल रहा होगा कि इक्विपमेंट की आइडेंटिटी को बताता है ये वाला, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द GSM, यू विल नॉट हैव टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर नाउ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बता दी है, इससे अलग कुछ नहीं होता है। GSM में आप इतना भी लिखोगे दैट इज़ सफिशियंट, बाकी आप लिख सकते हो GSM इज़ 2G टेक्नोलॉजी एंड द फुल फॉर्म इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देना। एंड वन मोर थिंग, आप जो 2G सिस्टम के बारे में लिख रहे हो तो उसके साथ में आपको बता देना कि इसमें जो बेसिकली आपका यूज़ होता है वो आपका FDM में यूज़ होता है। FDM में इज़ अवर फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीपल एक्सेस, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GSM, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड फर्दर वी विल डिस्कस द व्हाट इज GPRS एंड एज टेक्नोलॉजी, राइट, थैंक यू सो मच।